हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑलराउंडर। मैं डॉक्टर संजय आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आज एक केस लेके आया हूँ जिसमें गोट का कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण करना, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। गोट का कैस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं अपने चैनल में। हमारे पास ये गोट है 3-4 महीने के आसपास की, तो इसका हम बधियाकरण करेंगे। अब बधियाकरण करने से पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में एक बर्डी जो है लोहे का इंस्ट्रूमेंट अच्छे से साफ किया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ये जो वृषण जिसको टेस्टिस बोलते हैं, इसमें वृषण कोष के अंदर दो वृषण मतलब कि दो टेस्टिस है, तो हम वृषण कोष यानी कि स्क्रोटम पाउच को अच्छे से देख रहे हैं कि एक वृषण पाउच एक स्क्रोटम हम पालपेट कर रहे हैं। उस पालपेट करने से पहले हमने उसको विटाडीन से क्लीन किया है अच्छे से। अब इन दोनों वृषण कोष के अंदर दो वृषण है यानी दो टेस्टिस है, तो हर एक टेस्टिस में स्पर्मेटिक कॉर्ड आर्टरी और वेन होती है, तो उनको क्रश करना या दबाना होता है जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफ़र रुक जाए, यानी उसको रोकना है। मेन उद्देश्य ये है कि स्पर्म का ट्रांसफ़र रुक जाए। तो हम ये पहले टेस्टिस के लिए कर रहे हैं, इसको अच्छे से दबा रहे बर्डी जू के जरिए, और इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे जिससे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड अच्छे से दब जाए, ताकि आगे स्पर्म का ट्रांसफ़र ना हो सके। ऐसा ही हम दूसरे वर्षण कोष यानी दूसरे टेस्टिस पर भी करेंगे। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका, दबा के रखेंगे थोड़ी देर। हाँ, अच्छे से हैंडल करना ज़रूरी है बकरे को, ताकि क्या हिले ना, उसको चोट ना पहुँचे। नहीं तो क्या होता है कि नुकसान ये है कि थोड़ी बहुत भी कट लग गई और हमने ध्यान नहीं दिया तो टिटनेस होने के चांस भी हो जाते हैं। तो अच्छे से केयरफुली तरीके से ये चीज़ें करनी होती है, और ये सब अपन डॉक्टर के अंडर में करवाना होता है। अब उसको दर्द और हो रहा होगा पेन, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक और पेन किलर देते 2 दिन के लिए। तो इस तरह से हमने ये इसका बधियाकरण किया। बधियाकरण के क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें हम आपको बताने वाले हैं। बधियाकरण का पहला फ़ायदा कि इससे है ना, जो बकरा होता है इसका कैस्ट्रेशन किया जाता है यानी बधियाकरण करते हैं, तो वो बधियाकरण के बाद हट्टा कट्टा हो जाता है, मतलब कि फ्लेसी, उसका वजन बढ़ता है, मांसपेशी और अच्छे से उसमें दिखने लगती है, एकदम सुडोल बनता है, जिससे कि आपको अच्छे दाम मिलेंगे उस बकरे को किसी त्यौहार ईद पर बेचने पर। ईद का त्यौहार तो और आपने देखो हर साल आता है, तो उस टाइम पे है ना बकरों की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके बकरे के लिए अच्छे दाम मिलेंगे आपको। दूसरा फ़ायदा ये है कि आज्ञाकारी यानी डोसाइल, तो आज्ञाकारी भी बनेगा और यानी आक्रामकता नहीं होगी, किसी को मारेगा नहीं, किसी को एकदम शांत रहेगा कुल मिला के, तीसरे है ना। तो बधियाकरण के आपने फ़ायदे देख ही लिए, इससे क्या है कि मार्केट में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।